नमस्कार, मेरा नाम है सैयद सौबान और आप देख रहे हैं जागरणजोश.com। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं सिमी करण से, जिन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में इस बार टॉप किया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता देते हैं कि सिमी का ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। 2019 में ही आईआईटी बॉम्बे से इन्होंने इंजीनियरिंग की और 2019 में ही यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में टॉप किया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मीट सिमी करण। हाय सिमी, हाउ आर यू? Hi, I'm fine. Thank you so much for inviting me here. सबसे पहले सेमी, बहुत बहुत मुबारकबाद। 2019 में फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने 31st रैंक हासिल करी है। आपका सबसे पहले मैं फर्स्ट रिएक्शन जानना चाहूंगा कि रिजल्ट देखने के बाद आपको क्या महसूस हुआ? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस दिन रिजल्ट आया उस टाइम ऐसे प्रेडिक्शन चल रहा था कि 1 वीक में आ जाएगा, तो आई वाज क्वाइट एंग्शियस। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे फोन करके रिजल्ट बताया एंड फर्स्ट तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ। आई रिमेम्बर सीइंग द लिस्ट, लाइक डाउनलोडिंग इट 6-7 times, उसको मैं बार बार देख रही थी जस्ट टू मेक श्योर कि ये फाइनल लिस्ट है। फिर तो बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूंगी। मैं अपनी नानी से बहुत क्लोज हूँ, तो अपने पेरेंट्स को बताने के बाद आई इमीडिएटली कॉल्ड हर अप, बट वो शायद बाथरूम में थी, तो मैंने सबको बोला कि आप बोलिए कि एक इमरजेंसी और वो उनको फोन दे। तो मैंने उनको फोन पे बोला आप आईएएस की नानी बन गई हो। तो फर्स्ट शी कुड नॉट, उनको समझ नहीं आया, उनको लगा कि सही में कुछ गड़बड़ हो गया है, बट फिर जब उनको वो बात समझी तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हुई। ये बहुत अच्छी सी स्टोरी है, बहुत ही प्यारी सी स्टोरी आपने सुना दी वीडियो के शुरुआत में ही, क्योंकि देखिए इमोशनल अटैचमेंट होता है और आप जैसा कि बता रही हैं नानी से आप बहुत ज्यादा अटैच थी और आपने सबसे पहले नानी को बताया आपने, और ये बहुत ही गर्व की बात है उनके लिए और आपके परिवार के लिए। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक किया है। तो सिमी, हम आगे बढ़ते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि आपके परिवार में कौन कौन है और सभी लोग क्या क्या करते हैं? जी, मैं भिलाई में रहती हूँ। मेरे फादर भिलाई स्टील प्लांट में जनरल मैनेजर हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट में। मेरी मदर एक टीचर हैं डीपीएस दुर्ग में, एंड वी आर टू सिस्टर्स। मेरी एक यंगर सिस्टर है जो कि क्लास 12th में है अभी। ओके, तो ये आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? क्या कब आपने सोचा कि एक तो आपने एक IITian, उसके बाद IITian होने के बाद आप सिविल सर्विसेज का प्लान आपने किस तरह से बनाया, कुछ बताएंगे उस पे? जी, एक्चुअली मैं हमेशा अपनी जर्नी को एक अनकन्वेंशनल जर्नी कहती हूँ। जैसे कि काफी बच्चों का सपना होता है चाइल्डहुड ड्रीम से ही आईएएस बनने का, शायद मेरा वैसा नहीं था। मेरे लिए रियलाइजेशन काफी लेट आई जब मैं कॉलेज में गई। वहां मैं एक स्टूडेंट इनिशिएटिव जिसका नाम अभ्याषिका है उससे एसोसिएटेड थी। वहां मैं हम काफी गरीब बच्चों को, जो स्लम्स के आसपास के बच्चे हैं जिनको हमारी जैसी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, हम उनको पढ़ाते हैं। तो उन्हीं के जब एक्सपीरियंसेस मैंने शेयर किए, उनके जब सपने जानने की कोशिश की, तो मैंने सोचा कि मुझे एक ऐसा करियर पाथ चुनना चाहिए जो शायद कुछ नहीं बट काफी जिंदगियों को टच कर सके किसी ना किसी तरह से। तो उसी के खोज में फिर मैं काफी सारे पब्लिक पॉलिसी बूट कैंप्स, और मैंने एक माइनर भी किया है ह्यूमैनिटीज में IIT बॉम्बे से। जब मैंने ये सब अपने इंटरेस्ट एक्सप्लोर किए तब मेरे को कहीं ना कहीं ये क्लियर हो गया। और अनलाइक इन अदर केसेस, आई वॉज द वन हु कन्विंस्ड माई पेरेंट्स कि आफ्टर एन IIT, आफ्टर बीइंग वेरी अकेडमिकली स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मैं अपनी गर्ल्स टॉपर थी कॉलेज की, उसके बाद भी मुझे एक डिफरेंट जर्नी में जाना था, विच वॉज द UPSC। तो एकेडमिक्स में, जहां तक आपसे मुझे लग रहा है बात करके कि एकेडमिक्स में ही एक्सप्लोर करने का आपका शौक रहा है, और क्लास 12th में भी आपने टॉप किया, उसके बाद फिर आपने IIT बॉम्बे ज्वाइन किया। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि IIT बॉम्बे में कैसा सफर रहा आपका? आपने जब ज्वाइन किया, क्या आपने सोच के वहां पर एडमिशन लिया और क्या क्या किया वहां पर 4 साल में? जी, मैं बहुत ही ज्यादा स्टूडियस स्टूडेंट नहीं हूँ। आई हैव ऑलवेज हैड अ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच। मेरे को काफी नई एक्टिविटीज एक्सप्लोर करने का बहुत इंटरेस्ट रहा है। सो आई एम अ ट्रेंड क्लासिकल डांसर, आई एम ट्रेंड इन ओडिसी। सो वहाँ भी मैंने काफी सारे डांस कॉम्पिटिशन वगैरह में पार्टिसिपेट किया। इवन इन माई फाइनल ईयर आई वॉज द कैप्टन ऑफ माई खो खो टीम, और हम उद्घोष गए थे IIT कानपुर में जो उनका स्पोर्ट्स फेस्ट है, एंड वी वन गोल्ड देयर। तो वहाँ पे और भी काफी सारी एक्टिविटीज होती है अदर देन अकेडमिक्स, लाइक वहाँ पे ग्रुप फॉर रूरल एक्टिविटीज है,
जहाँ हमको रूरल विजिट्स पे लेके जाते हैं, तो वहाँ मुझे झाबुआ विजिट करने का मौका मिला था. सो आई हैव एक्सप्लोर्ड ऑल द डिफरेंट एस्पेक्ट्स दैट आई कुड इन आईआईटी बॉम्बे एंड आई चेरिश माई 4 years देयर अलॉट. ओके, तो मतलब मेरा जो सवाल था जो स्टार्ट हुआ था एकेडमिक्स में आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो वो नहीं है, आप हर फील्ड में ही माहिर हो और आपने स्पोर्ट्स में भी जैसा कि बताया खो खो के लिए आपने किया, उसके बाद जो है आप क्लासिकल डांसर भी ट्रेन क्लासिकल डांसर हो, तो हर एक फील्ड में आपने एक्सप्लोर करने का सपना रखा हुआ है यहाँ तक अभी तक मुझे बात करके आपसे लगा ये. तो चलिए अब थोड़ा सा हम पढ़ाई की तरफ चलते हैं, और क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं और साथ साथ सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनके मन में ये सवाल होता है कि पहला अटेम्प्ट है, साथ में ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर है, तो किस तरह से टाइम को यूटिलाइज करके किस तरह से प्लान करके पढ़ाई करी जाए. जैसा कि आपने किया, बीटेक कर रहे थे आप आईआईटी बॉम्बे से, फोर्थ ईयर था आपका, लास्ट सेमेस्टर होगा और साथ साथ आपका प्रीलिम्स एग्जाम भी होगा, तो किस तरह से प्लान किया. जी, आई थिंक यूपीएससी का सिलेबस इतना वास्ट है कि एक स्ट्रक्चर्ड और एक प्लान्ड स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है. मैं हमेशा एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स सेट करती थी. मैं कभी कभी पढ़ते वक्त इवन आवरली टारगेट सेट करती थी, ताकि हम कभी कभी क्या होता है बहुत ज्यादा डाइग्रेस हो जाते हैं, तो वो ना करके हमेशा कंप्लीशन पे एक फोकस रहे. दूसरा चीज जो मैंने एक बहुत ही फेमस कोट सुना है, इंटेलिजेंट पीपल लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स. तो आई थिंक दैट वॉज ऑल्सो समवेयर वेरी हैवीली एप्लीकेबल इन माई केस. मैंने काफी सारे टॉपर्स की स्ट्रैटेजी सुनी, उनसे बातें किया, इवन सम टीचर्स की गाइडेंस लिया, जिससे कि मुझे पता चला कि वॉट मिस्टेक्स आई हैव टू अवॉइड जो मेरे सीनियर्स ने कहीं ना कहीं किया होगा. तीसरा चीज जो मैं करती थी, आई वॉज डूइंग स्मार्ट वर्क, बिकॉज समय कम था और मुझे इतना ज्यादा लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टडी शायद टाइम ना मिले, बिकॉज फाइनली हमें एकेडमिक्स भी था. सो आई वॉज ऑलवेज फोकसिंग ऑन क्वालिटी एंड जितना भी समय मैं पढ़ती थी उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना. ओके, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही आपने यहाँ पर. जो भी हमारे व्यूवर्स इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, कि गलतियों से सीखना चाहिए. गलतियों को अगर आप उससे सीखेंगे नहीं, फिर से वही गलतियां दोहराते जाएंगे, तो वो आगे फिर आपके लिए भी मुश्किलें पैदा करेगी. लेकिन आपने बताया जैसा कि दूसरों की गलतियों से भी सीखा आपने, तो यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वो क्या गलती थी जो आपको लगता है कि आपने करी अपने प्रिपरेशन के दौरान, जिससे कि लोग सीख सकें और उन गलतियों को ना दोहराएं. जी, कुछ मिस्टेक्स मेरे भी रहे हैं जर्नी में. जैसे कि पहला चीज जो जब प्रीलिम स्टेज में मुझे एक चीज बहुत लेट रियलाइज हुई कि हमको जो क्वेश्चन पेपर्स है प्रीवियस ईयर के, वो तो सभी बच्चे देखते हैं, बट उसका जो ऑफिशियल आंसर की है उसको एफर्ट नहीं डाल के, उसको टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हैं उनको चेक करने का. और इसकी वजह से क्या होता है कि मल्टीपल सोर्सेज में मल्टीपल आंसर्स दिए रहते हैं, बट आपको तो सिर्फ उस पर डिपेंड करना है कि यूपीएससी क्या चाहता है आपसे. तो ये एक मिस्टेक जो मैंने की, जो मैंने लेट रियलाइज किया, ये मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पहले ही ध्यान में रखें. दूसरी चीज है कि आंसर राइटिंग आप जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू कीजिए, क्योंकि जितना आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, जितना कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, वो जो एक डर होता है अगेंस्ट आंसर राइटिंग, वो चला जाए. एंड तीसरा चीज तो मैं हमेशा विश्वास रखती हूँ. यहाँ पे सिमी आपको मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा कि हम यहाँ पर अभी प्रीलिम्स की बात पहले कर लेते हैं, फिर आंसर राइटिंग पर हम मेंस की बात जब करेंगे तब जाएंगे, जिसमें कि जो हमारे व्यूवर्स हैं अभी वो बिल्कुल कंफ्यूज ना रहे और वो प्रीलिम्स की जो तैयारी है उस पर कॉन्सेंट्रेट कर लें. तो प्रीलिम्स के लिए एक बहुत जरूरी चीज है करंट अफेयर्स, और न्यूज़पेपर पढ़ना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने करंट अफेयर्स को अच्छी तरीके से उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए. तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती थी कि किस तरह से आप न्यूज़पेपर पढ़ती थी, और कौन कौन से न्यूज़पेपर अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं आप. जी, मैं न्यूज़पेपर हमेशा ई मोड में पढ़ती थी. मेरे पास ई पेपर था, सब्सक्रिप्शन था द हिंदू का. बिफोर प्रीलिम्स आई वाज रीडिंग ओनली वन न्यूज़पेपर द हिंदू, और उसमें बेनिफिट ये होता है ई मोड में पढ़ने का कि साइड में आपको सारे हेडिंग्स मिल जाते हैं हर पेज के, सो यू कैन सिंपली एलिमिनेट और फिल्टर आउट द अननेसेसरी स्टफ, और जो बाकी आपका रेलिवेंट है उसको आप छांट के पढ़ लीजिए. दूसरा चीज जो मैं हमेशा ध्यान में रखती थी कि मैं मिनिमल टाइम में न्यूज़पेपर को कवर कर सकूं. सो शुरुआत में मुझे भी 2-3 घंटे लगते थे, बट धीरे धीरे उसको मैंने रिड्यूस करके ऑलमोस्ट 30-45 मिनट्स पे ले आया था. दैट वॉज बिकॉज आई वॉज डूइंग द फास्ट रीडिंग.
मैं जल्दी से आर्टिकल के थ्रू स्क्रॉल करती थी एंड यूजुअली जो हमारा रिक्वायरमेंट होता है वो लेटर हाफ ऑफ द आंसर मतलब आर्टिकल में होता है, द सजेशंस, द क्रिटिक एटसेट्रा, तो वहां मैं जल्दी से पहुंच के उनको फिर क्लियरली पढ़ती थी। तीसरा चीज ये कि मैं नोट मेकिंग बहुत ही नेग्लिजिबल करती थी, थोड़ा बहुत जो मैं नोट मेकिंग न्यूज़पेपर से करती थी दैट वाज अगेन आई वाज डूइंग इट ऑन ऑनलाइन मोड। सो पोस्ट प्रीलिम्स आई हैड टू रीड टू न्यूज़पेपर्स बिकॉज ये मेरे ऑप्शनल का रिक्वायरमेंट था, तो मैं इंडियन एक्सप्रेस से आर्टिकल सिर्फ एडिटोरियल पोर्शन सप्लीमेंट करती थी। ओके, तो ये बहुत ही अच्छे पॉइंट्स आपने यहाँ पर बताए हैं, जो लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पर आपको जैसे पता ही है कि प्रीलिम्स का एग्जाम अक्टूबर 2020 में होने वाला है, लॉकडाउन की वजह से ये डिले हो गया है, एक नई डेट आई है, तो अब जो टाइम बचा है बहुत लिमिटेड टाइम है, उस लिमिटेड टाइम में रिविजन का बहुत इम्पोर्टेंस हो गया है। आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली रिविजन करने के लिए? जी पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये जो अगस्त मंथ है आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू यूटिलाइज दिस टाइम टू गिव एज मेनी प्रैक्टिस टेस्ट एज पॉसिबल, और वो भी टाइम्ड प्रैक्टिस टेस्ट, ताकि आपको पता चले कि नॉट जस्ट कितना नॉलेज आपको मिल रहा है बट आप उसको अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं पेपर में। जब भी मैं प्रैक्टिस टेस्ट देती थी आई यूज टू इन्वेस्ट 1 आवर टू एनालाइज कि मेरे मिस्टेक्स क्या रहे, रिवाइज तो मैं करती थी उसके साथ बट आई वॉज ऑल्सो फोकसिंग कि मेरे एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस के साथ मैं उन क्वेश्चन को कैसे क्रैक कर सकूं। फिर द फाइनल मंथ आई वुड सजेस्ट कि सब कोई रिविजन पे फोकस करे, विद एवरी रिविजन आप अपना अमाउंट ऑफ टाइम जो रिक्वायर्ड है उसको रिड्यूस करने पे फोकस करें, आप या तो हाईलाइट कर सकते हैं या पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं, बट विद एवरी रिविजन यू हैव टू रिड्यूस द टाइम ताकि आप बहुत सारा एक कम समय में रिवाइज कर सकें, एंड आप जितने मल्टीपल रिविजन करेंगे उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, तो ये हो गई बात हमारी रिविजन की प्रीलिम्स के लिए। अब बहुत ज्यादा पढ़ाई की बात हो गई है, कुछ लोग होंगे जो अभी बोर हो गए होंगे, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में हॉबीज क्या क्या हैं। एक तो आपने बताया क्लासिकल डांसर हैं आप, और क्या क्या करना पसंद है आपको? जी जैसे प्रिपरेशन टाइम के वक्त तो मुझे डांसिंग का उतना समय नहीं मिलता था, सो आई यूज टू ट्राई एंड जितना हो सके मैं थोड़ा फिजिकली फिट रहने की कोशिश करती थी, मैं जॉगिंग वगैरह कंटिन्यूअसली करती रहती थी। जैसे मेंस के समय थोड़ा कम हो गया था बट जॉगिंग वॉज समथिंग आई ट्राई टू डू ऑल द टाइम। बाकी ऐसे ही वेब सीरीज वगैरह देख के, यूजुअली जैसे खाते वक्त मैं स्टैंड अप कॉमेडी देखने को बहुत प्रेफर करती थी, सो दैट वॉज अ फन टाइम, वो सब चीजें मैं करती थी। तो ये साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ आपको और भी चीजें करना जरूरी है, जैसा कि आपने मेरे ख्याल से पढ़ाई के साथ साथ आपने बाकी एक्टिविटीज भी करी, अपने हॉबीज को भी फॉलो किया। और अब हम चलते हैं मेंस की तरफ। सिमी ने क्वालिफाई कर लिया प्रीलिम्स एग्जाम, आपका नाम आ गया, अब आपकी तैयारी मेंस की तरफ बढ़ गई, तो आपने मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई थी, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? तो ये दो सवाल हैं, उन दोनों सवालों के जवाब आपसे चाहेंगे। जी ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस रखा था। माय फर्स्ट फोकस वाज ऑन कि मेरा ऐसा एक सब्जेक्ट मैं चुनूं जिसमें मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा हो, एंड बाय सीइंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड द सिलेबस मुझे लगा कि पीएसआईआर एक अच्छा चॉइस रहेगा। आई डिड नॉट गो फॉर एन इंजीनियरिंग ऑप्शनल बिकॉज उसका सिलेबस काफी बड़ा रहता है एंड उसका ओवरलैप कुछ है नहीं विद द जनरल स्टडीज पेपर्स। वाइल अगर हम पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस देखें तो GS2 ऑलमोस्ट कंप्लीट ओवरलैप है, GS1 का सोसाइटी पोर्शन, द कोट्स, द थिंकर्स, वो काफी सारा ओवरलैप रहता है। तीसरा चीज जो मुझे बेनिफिट किया इस चीज में वाज द डायनामिज्म। कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगता है टू रीड करंट अफेयर्स कंटिन्यूअसली बट यहाँ पे इट जस्ट एक्टेड एज अ बूस्ट फॉर मी बिकॉज मेरा काफी करंट अफेयर्स यहाँ भी कवर हो जाता था एंड आई वॉज हैविंग अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन इन दैट सेंस। कमिंग टू मेन स्ट्रैटेजी, मेरा बिकॉज समय कम था और मुझे बहुत सारा कवर करना था तो आई वॉज नॉट फोकसिंग मोर ऑन नॉलेज बट रैदर वॉट आई कुड प्रोड्यूस ऑन पेपर। तो आई हैड क्लियरली डिफाइंड कि मैं सिर्फ वही पढ़ूंगी जो मैं रिवाइज कर पाऊँ और एग्जाम हॉल में रिप्रोड्यूस कर पाऊँ। दूसरा चीज जो मैं फोकस कर रही थी वॉज ऑन आंसर राइटिंग। फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग आफ्टर द प्रीलिम्स मैं आंसर राइटिंग की तरफ शिफ्ट कर गई थी और मैं टॉपर्स के आंसर कॉपीज, लोगों से फीडबैक लेके, खुद का आंसर्स कंटिन्यूअसली इवेलुएट करके अपना कैपेसिटी इम्प्रूव कर रही थी।
एक चीज जो मैंने किया बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ टाइम, पूरे सारे क्वेश्चंस में कर नहीं पा रही थी, सो आई यूज टू जस्ट दिमाग में सोच लेती थी उन चीजों को कि अच्छा ये मेरा इंट्रोडक्शन हो सकता है, ये मेरा पहला हेडिंग, दूसरा हेडिंग, तीसरा हेडिंग. सो बेसिकली आई वॉज फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर इन माई माइंड इटसेल्फ. सो ये मेरे दिमाग को एक्सरसाइज कर रहा है एंड इट्स इंक्रीजिंग माई पेस. सो दीज वर सम ऑफ द थिंग्स आई डिड. ओके. तो ये मेंस और आंसर राइटिंग, क्योंकि मेंस में बहुत बारी देखा गया है कि आंसर राइटिंग में लोग बहुत सारी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स नहीं आ पाते हैं और वो आगे जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है उसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं. तो कुछ अगर आप टिप्स देना चाहेंगे स्पेसिफिकली आंसर राइटिंग के लिए, कुछ आपकी जो गलतियां होंगी जो लोग आप चाहते हैं कि अब शायद उनसे कुछ सीख सकें, जैसा कि आपने पहले भी बताया, तो आप उसके बारे में प्लीज बताइए. जी, आंसर राइटिंग बहुत बच्चों में मैंने ये चीज देखी है कि दे हैव अ सर्टेन फियर एंड इनर्शिया अगेंस्ट राइटिंग आंसर्स. तो सबसे पहले तो आपको जो साइकोलॉजिकल माइंडसेट है उसको ब्रेक करना है. आपके जिस भी लेवल ऑफ प्रिपरेशन है आप उसमें एक आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं. दूसरा चीज ये कि जब आप आंसर्स लिखें तो उसमें आप थोड़े कीवर्ड्स और डायग्राम्स और नहीं तो एग्जाम्पल्स, जो मैं एग्जाम्पल्स काफी दिया करती थी आंसर में, जिसमें मैंने पॉइंट नंबर 1 लिखा और पॉइंट लिखा उसके नीचे ex लिख के डॉट करके एक अलग से हाईलाइट करते हुए कि मैं एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ उसको मैं डाल देती थी. सो देन यू कैन वर्क ऑन क्रिएटिव इंट्रोडक्शंस कंक्लूजंस. मैं काफी सारे इंट्रोडक्शन कंक्लूजन जो जेनरिक टॉपिक्स है जैसे एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, इनका ऑलरेडी सोच के पहले से एक लिस्ट बना के रिवाइज कर ली थी. इससे क्या होता है कि काफी बार जब एग्जाम का प्रेशर हम हॉल में होते हैं और हम ऑटो मोड में काम करने लगते हैं तब आपको चीजें याद बहुत इजीली आ जाती हैं. फाइनली एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगी कि आप सभी टाइम टेस्ट दें, एक प्रॉपर एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के आप जिस माहौल में एग्जाम लिखेंगे, भले ही आप कितने भी क्वेश्चन पहले 2-3 बार में अटेम्प्ट कर पाए, बट आप पूरी फोकस इस पे कीजिए कि टाइम फोकस तरीके से उस एग्जाम को लिखें ताकि आपको एग्जाम का माहौल का भी फीलिंग आ जाए. ये चीजें करना चाहिए. तो बहुत ही अच्छे पॉइंट्स बताए हैं और आपने बताया है कि किस तरह से आपने स्ट्रेटजी बनाई मेंस में आंसर राइटिंग के लिए. तो देखिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इससे सीख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर एक बार फिर से उन सभी को बोल देता हूँ, अगर आप मिस कर गए हैं समझने में तो इस वीडियो को पॉज करिए, वापस जाइए, फिर से प्ले करिए और फिर से सिमी को सुनिए कि क्या वो कह रही हैं. उनके जो अच्छे पॉइंट्स हैं आप अपने पास लिख सकते हैं और उसको आप अडाप्ट कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगा कि डे रूटीन आपका क्या रहता था जब आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे थे, तो कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप सुबह से लेकर शाम तक, क्या आपका रूटीन रहता था उसके बारे में प्लीज बताइए. जी, एक्चुअली जिसे मुझे काफी लोगों ने अभी पूछ लिया है कि कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी, एक्चुअली मैं इसका कभी ट्रैक नहीं रखती थी. आई यूज टू सेट शॉर्ट टर्म गोल्स एंड मैं उसके हिसाब से काम करती थी. जैसे कि मैंने अगर इस वीकेंड में डिसाइड किया कि मैं एक टेस्ट लिखूंगी तो मैं पूरे वीक उसमें 1-1 घंटा इन्वेस्ट कर दूंगी टेस्ट के रिविजन के लिए. लास्ट एक दिन पहले उसका पूरा रिविजन कर लूंगी. नाउ हाउ नो मैटर हाउ मेनी आवर्स आर रिक्वायर्ड आई पुट इन दैट मच एफर्ट एंड गेट दैट थिंग डन. तो जैसे कि मेरा बर्स्ट होता था प्रेपरेशन में, इंक्रीजिंग फेज, डिक्रीजिंग फेज, बट ऑन एन एवरेज 10-12 hours ऑफ स्टडी मेरा रहता था. शुरुआत में इन जनरल प्रेपरेशन के वक्त मैं थोड़ा सा टाइम रिफ्रेश होने के लिए भी निकाल लेती थी इवनिंग्स को, नहीं तो सुबह. इमीडिएटली मैं प्रेपरेशन में जंप ऑन नहीं करती थी क्योंकि एक लेथार्जिकनेस टाइप बिल्ड होने लगता है, नहीं तो वो चीज भी मैं हमेशा फोकस में रखती थी कि थोड़ा खुद को बूस्टेड अप रखो. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको अपने प्रिपरेशन के पूरे टाइम के दौरान अपने आप को बूस्ट रखना है और बूस्ट अप करके रखना है. तो क्या आप कर सकते हैं वो आपकी चॉइस है. यहाँ पे सिमी ने बताया कि उन्होंने किस तरह से प्लान किया अपना मेंस के लिए प्रिपरेशन. अब सिमी ने मेंस क्वालिफाई कर लिया, क्लियर कर लिया, नाम आ गया, पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए इंटरव्यू है, फरवरी में इंटरव्यू मेरे ख्याल से आपका हुआ होगा. और 2020 एक ऐसा साल रहा है जहां पर कोविड ने दस्तक दी और मार्च में मेरे ख्याल से कोविड आ गया था इंडिया में, लेकिन फरवरी में आपने पर्सनैलिटी टेस्ट दे दिया तो शायद उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा होगा. लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनके इंटरव्यूज शेड्यूल थे बाद में मार्च में, तो शायद वो उनके जो पर्सनैलिटी टेस्ट थे उस पर जरूर इम्पैक्ट पड़ा होगा और वो बाद में हुए होंगे. आपके पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में हम जानना चाहेंगे कि क्या आपने कोई मॉक इंटरव्यूज दिए थे उसके लिए या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन किया था, प्लीज उसके बारे में बताएं.
जी आई थिंक पर्सनालिटी टेस्ट का रिजल्ट इस साल लेट भी आया था, अराउंड जनवरी में आया था, और मेरा February 21st को ही पर्सनालिटी टेस्ट था, तो मेरे पास प्रेपरेशन टाइम कम था बिकॉज दिस वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट. मैंने 4-5 मॉक इंटरव्यूज दिए थे. आई थिंक जो सबसे बड़ा लर्निंग मेरे लिए उन मॉक इंटरव्यू से था वो ये था कि किस तरह से मैं अपने बिहेवियरल एस्पेक्ट्स पे काम करूं रैदर देन नॉलेज. आपका क्या सिटिंग पोस्चर है, आपका जो टोन ऑफ स्पीकिंग है, आपका ऑडियो लेवल क्या है, किस तरह से आप आई कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जिस तरह से मुझे फीडबैक मिलती गई मैंने उस पर काम किया था. मैंने गाइडेंस लिया था द IS हब से. वहां पे काफी सारे पर्सनलाइज क्वेश्चंस उन्होंने बनाए थे. उन्होंने हमें ये भी बताया था कि आपके स्पेसिफिक किस टाइप का क्वेश्चंस आ सकता है, डैप फिलिंग किस तरह से करना है. सो दैट वाज अ वेरी प्लस पॉइंट बिकॉज समय की कमी थी. एज सच मॉक इंटरव्यूज लेना सबका अपना पर्सनल प्रेफरेंस है, तो सब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये दे सकते हैं. बस इस समय ये फोकस रखिए कि आप चीजों पर एक पर्सपेक्टिव बिल्ड करें रैदर देन फैक्चुअल नॉलेज. आप एक नॉलेज तो गेन कर रहे हैं बट उस पे आपका क्या ओपिनियन है ये बिल्ड करना बहुत जरूरी है, और इसी पे मैं फोकस कर रही थी. मैंने बहुत सारे टॉपर्स से बात भी करी है, उन्होंने बोला है कि पर्सनालिटी टेस्ट से पहले पहले जो आप डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डैप फॉर्म जो भरते हैं उसमें क्या भरते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप कुछ अगर उस पर बताना चाहेंगे कि क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीजों को इग्नोर करना चाहिए, आपने किस तरह से फॉर्म भरा था उसके बारे में प्लीज बताएं. जी मेरा जैसे कि जब फॉर्म हमारा दो पार्ट्स में भरा गया था, एक या तो मेंस या प्रीलिम्स से पहले और दूसरा इंटरव्यू के वक्त. कुछ चीजें जैसे कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इवन मे बी मोर इम्पोर्टेंट देन आपका होम स्टेट क्या है, क्योंकि उससे वो काफी सवाल बनाते हैं स्पेशली दैट प्लेस. लाइक मेरा सुंदरगढ़ था तो सुंदरगढ़ से काफी स्पेसिफिक क्वेश्चंस मुझे आए. जितने भी वर्ड्स जितने भी लेटर्स जितने भी वर्ड्स आपने फॉर्म में भरे हैं हर वर्ड को इंडिविजुअली एनालाइज कीजिए. मैंने जैसे कि अपने स्कूल का ओरिजिन क्या है, इवन दैट वाज नॉट अ वेरी मतलब यूनिक नेम बट स्टिल मेरा स्कूल का ओरिजिन क्या है, कौन कौन मतलब जो व्हाट आर माय लर्निंग्स फ्रॉम माय स्कूल, जितने भी क्वेश्चन आप अपने मन में बना सकते हैं उनको आप आंसर करते जाइए, काफी सारे जवाब वैसे ही निकलेंगे. एक जो चीज आप ध्यान रखिए कि हॉबीज में अब सिर्फ वही भरिए जो आप जस्टिफाई कर सके, क्योंकि हॉबीज में आपको एक इंटरेस्ट दिखाना जरूरी है, उसको करेंट से भी लिंक कर सकते हैं वो भले ही कितना वेग क्यों ना हो. आप ऐसी चीजें भरिए जिसको आप बहुत स्ट्रांग हो और आप उनको जस्टिफाई कर सके. सो दैट वॉज व्हाट आई फोकस ऑन. जिमी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पर्सनालिटी टेस्ट में जिस वक्त आप यूपीएससी भवन की तरफ यानी कि यूपीएससी की जो बिल्डिंग है जहां पर पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जब आप अपने घर से निकल के जा रहे थे आपके मन में क्या सवाल थे, और जब पैनल के सामने आप पहुंचे तो क्या क्या सवाल आपसे पूछे गए? जी मेरा 21 फरवरी को आफ्टरनून सेशन में इंटरव्यू था. सुबह उठ के मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया था उस दिन का सारा जो भी खाने का सब कंप्लीट करके. एक बहुत ही प्लीजेंट सरप्राइज मिला क्योंकि मुझे लगा था सिर्फ मेरी मदर उस दिन मेरे साथ रहने वाली है, बट मेरे फादर भी एक फ्लाइट में सुबह सुबह ही पहुंच गए थे. सो आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बूस्टर फॉर माई कॉन्फिडेंस. सो इट वॉज अ वेरी पॉजिटिव एनवायरमेंट जिसमें हम पहुंचे. आउटसाइड थोड़ी देर वेट किया बट आई रिमेम्बर द फर्स्ट इमोशन आई हैड व्हेन आई सॉ द यूपीएससी भवन, दैट वॉज की एक बहुत ही प्राउड फीलिंग और एक बहुत ही एक्साइटेड फीलिंग थी मेरे मन में कि वाओ पहले ही चांस में मैं इतनी दूर तक पहुंच पाई, तो उस टाइम ही मुझे एक बहुत ही ऑनर्ड फीलिंग आई थी. जब हमको अंदर ले जाया गया तो मुझे पीके जोशी सर का पैनल मिला था. तो शुरुआत में तो हमें पता नहीं था, मेरा फोर्थ नंबर था. काफी लॉन्ग आवर का वेटिंग था, टू एंड हाफ आवर्स की वेटिंग थी. शुरू में थोड़ा सा एक नर्वस फीलिंग आता है जब आप इतने बड़े भवन में जाते हैं एंड सब इतने प्रॉपरली ड्रेस्ड एंड सब रेडी दिखते हैं, बट देन आई रियलाइज कि ठीक है अब हमारी प्रेपरेशन जितनी होनी थी वो हो चुकी है. सो आई वॉज जस्ट सिटिंग कामली, ऐसे थोड़े बहुत लोगों से बात किया. फिर जब मेरी बारी आई दे टेक यू टू दैट रूम एंड उस रूम के बाहर आपको एक चेयर में बिठा देते हैं. फॉर दोज 5 मिनट्स आई फेल्ट अ लॉट, आई हैड अ वेरी नंबिंग फीलिंग शुरुआत में बिकॉज मुझे एक बार के लिए लगा कि अब क्या होगा,
मैं अंदर जाऊंगी उन लोग क्या पूछेंगे, बट देन आई काउंट माई सेल्फ डाउन. यूजुअली आई हैव हैड अ वेरी, मतलब पहले भी जैसे इंटरव्यूज दिए हैं, आई हैड अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी इन दैट. तो मुझे बस इस पे फोकस, मैंने बस ये सोचा कि मैं इस पे फोकस करूंगी टू हैव अ प्लीजेंट कॉन्वर्सेशन विद देम, प्लीजेंट बट फॉर्मल कॉन्वर्सेशन. सो देन वो एक रेड कलर का लाइट चलता है एंड देन यू हैव टू एंटर इन साइड. सो आई वुड से द बोर्ड वॉज वेरी कॉर्डियल. उन्होंने बहुत कंफर्टेबल तरीके से चीजें पूछी, कोई भी बहुत ज्यादा रिग्रस या प्रेशर वाला इंटरव्यू नहीं था मेरा. दे वर सिटिंग इन अ वेरी क्लोज्ड सेमी सर्कुलर शेप विच वॉज ऑल्सो हेल्पफुल बिकॉज जो आई कॉन्टेक्ट करना होता है सबके साथ दैट वॉज बींग डन वेरी कंफर्टेबली बाई मी. सो क्वेश्चन तो बहुत ही क्लियरली मुझे ये समझा कि इट्स अ होलिस्टिक पर्सनैलिटी टेस्ट. फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत कम थे, दे वर यूजुअली फोकसिंग ऑन ऑल द डायमेंशंस दैट आई फिल्ड इन द डैफ एंड द करंट अफेयर्स. सो सम क्वेश्चंस इफ आई रिकॉल करेक्टली, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन था एक लेडी मेंबर के थ्रू. उन्होंने बोला कि आप आईआईटी बॉम्बे से हैं, वहां तो इतनी सारी गाय घूमती है, इट्स सच अ बैड एनवायरमेंट टू स्टडी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए. शी वाज बीइंग वेरी पेसिमिस्टिक अबाउट इट. शुरुआत में मैंने तो पहले ऐसे बोला कि नो मैम, इट्स अ वेरी गुड एनवायरमेंट, हमारा संजय गांधी नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है, पवई लेक है. बट शी डिड नॉट सीम कन्विंस्ड. तो मैंने सोचा कि अब मैं इसको एक अलग डायरेक्शन में ही ले जाती हूँ. सो आई आंसर्ड कि मैम एक्चुअली हमारे कॉलेज में एक जोक है कि हम 2-3 साल इतना मेहनत करके फिर आईआईटी में घुसते हैं एंड यहाँ गायों को तो फ्री पास मिल गया है, सो ये हमारे लिए तो नाइंसाफी हुई. सो एवरीवन लव्ड एंड देन आई कुड सी द एनर्जी ऑफ द इंटरव्यू गोइंग अप. सो ये एक इंसिडेंट बहुत ही, मुझे लगता है कि मेरे लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट किया होगा इन द इंटरव्यू. ऑल्सो दे वर कंटिन्यूसली ऑब्जर्विंग मी, क्योंकि जो भी मैं आंसर एक पैनल मेंबर को दे रही हूँ उससे ही पिकअप करके दूसरे क्वेश्चन भी बन रहे थे. सो इट वॉज अ वेरी होलिस्टिक बट अ वेरी इंजॉयबल एक्सपीरियंस फॉर मी. तो यहाँ पर आपने जो मुझे बात बताई हो अपने इंटरव्यू से रिलेटेड, यहाँ पर तो जो मुझे समझ में आ रहा है कि आप स्मार्ट आंसर्स देने के लिए आपको परखा जाता है. जरूरी नहीं है कि आप जो पढ़ाई आपने करी हुई है उससे आपसे सवाल पूछे जाएं, और आपके कॉन्फिडेंस लेवल को चेक किया जाता है जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, और जो दिख भी रहा है इस वक्त सिमी के चेहरे पर भी जो कॉन्फिडेंस है और जिस तरह से आपने बताया है पूरे आंसर को पिक्चराइज करके, हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह का माहौल रहा होगा उस वक्त रूम में जब आपने ये बोला होगा कि वो जो गाय आपके आईआईटी बॉम्बे में टहलती हैं उनको आराम से एंट्री मिल रही है और आप मेहनत करके पहुंच रहे हैं वहां पर. और चलिए आप बढ़ते हैं इस इंटरव्यू में आगे और आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आपको लगता है कि कोचिंग लेना जरूरी है किसी भी स्टेज को क्वालिफाई करने के लिए? मुझे लगता है कोचिंग लेना एक बहुत ही पर्सनल चॉइस है. किस तरह की कोचिंग लेना वो भी एक बहुत पर्सनल चॉइस है, बिकॉज आज के दिन पे आपके पास फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं या फिर इंडिविजुअल कोर्सेज होते हैं. तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस देखिए और उसके हिसाब से ही फाइनली डिसाइड कीजिए. आज के दिन पे बहुत सारा ऑनलाइन मटेरियल भी अवेलेबल है, तो आप घर बैठे बैठे भी प्रिपेयर कर सकते हैं. टेकिंग कोचिंग इज अ पर्सनल चॉइस एंड आई वुड जस्ट रेकमेंड कि अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूट के लिए जाना चाहें तो जस्ट टेक अ ऑनेस्ट फीडबैक फ्रॉम योर सीनियर्स अबाउट इट, और तभी आप उसमें जाएं, क्योंकि आप बहुत सारा एनर्जी उसमें इन्वेस्ट करेंगे और वंस आपने उसको डिसाइड कर लिया है तो आप एक ही पाथ पे स्टिक करके रहें. सिमी, आपने बताया था कि आपने बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज लिए थे पर्सनालिटी टेस्ट से पहले, क्या आपने प्रीलिम्स और मेंस के लिए कोचिंग करी थी? जी, मैंने प्रीलिम्स के लिए कोचिंग नहीं करी थी क्योंकि मैं कॉलेज में ही रह के प्रिपेयर कर रही थी. मेंस के लिए मैंने गाइडेंस लिया था. ओके, तो यहाँ पर अब आपसे पूछते हैं कि आप किसको अपना इंस्पिरेशन मानती हैं, कौन ऐसे पर्सनालिटीज हैं जिनको आप दिमाग में रखती हैं और उनकी बातों से जरूर कुछ ना कुछ सीखते हैं और उनके बारे में पढ़ना चाहती हैं और लोग भी चाहें तो पढ़ सकते हैं उसके बारे में? दो जन के बारे में बताना चाहूंगी. पहली है सुधा मूर्ति मैम. मैं उनको बहुत मानती हूँ, उनकी काफी किताबें पढ़ी हैं, उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को जाना है एंड मेरे लिए वो एक बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन और रोल मॉडल रही हैं. जिस तरह से उन्होंने एक ऐसी दुनिया में कदम रखा और फिर जो सैक्रिफाइसेस उन्होंने किए हैं एंड फिर जो वो सोसाइटी के लिए काम करती हैं, वो मेरे लिए एक मेजर बूस्ट रहा है. दूसरा है, ये मैं
ये थोड़ा सा हटके लगेगा आपको, बट इट इज माई सेल्फ 10 years फ्रॉम नाउ. तो मेरा रोल मॉडल इज माई सेल्फ 10 years फ्रॉम नाउ, विच मीन्स कि मैं उसको कभी अचीव नहीं कर सकती, लेकिन मैं खुद को हमेशा कोशिश करती रहूंगी कि मैं इम्प्रूव करती रहूं ताकि मैं अपनी खुद की रोल मॉडल बन सकूं. सो उस तरह से मैं सोचती हूं. बहुत ही मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा इस बात को, क्योंकि बहुत कम लोग इस तरह की सोच रखते हैं. आपकी सोच डिफरेंट है, इसी वजह से आप क्वालिफाई करके 31st रैंक लाकर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में अब जो है आईएएस ऑफिसर बनने जा रही हैं. तो अब आपसे जाना चाहूंगा, अगला पड़ाव होगा आपकी ट्रेनिंग जो कि लवासना में होगा, और क्या लवासना को लेकर आपके मन में कोई सपने थे, कुछ चाहती थी कि कभी वहां जाएं और वहां पढ़ाई करें, क्या सपने थे, कुछ आप बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे प्लीज. एज सच मैंने लवासना के बारे में रिजल्ट्स आने से पहले तो देखा नहीं था, क्योंकि थोड़ा मैं एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहती थी कि क्या फ्यूचर में होना चाहिए, होने वाला है. बट रिजल्ट्स आने के बाद तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं एंड मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि सभी कहते हैं कि एक बहुत ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहता है और वो एक बहुत ही सुंदर जगह है टू गेट ट्रेनिंग. जो इवन जो गाइडेंस हमको इतनी सारी डाइवर्स बैकग्राउंड से मिलेगा, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एंड जस्ट दैट कि मैं आगे जो भी करूं अपनी पूरे मेहनत और लगन के साथ करना चाहती हूं. ओके, तो अगला सवाल मेरा रहेगा कि आप जब ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट कर लेंगी तो आपको जो भी सर्विस मिलती है, वैसे तो आईएएस ऑफिसर आप बन रही हैं जहां तक आपकी रैंक के हिसाब से देखा जाए, अभी शायद मार्क्स नहीं आए हैं, लेकिन तो आप किस फील्ड में काम करना चाहते हैं, क्या आपने सोचा हुआ है? ऐसे तो मुझे जिस भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या रोल में दिया जाएगा मैं पूरा अपना 100% देना चाहूंगी. अगर कोई स्पेसिफिक अगर आप फील्ड जानना चाहें तो विमेन एम्पावरमेंट और एजुकेशन के लिए मैं बहुत ही ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हूँ कह सकते हैं, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट बीइंग अ गर्ल एंड मैंने इवन अभ्याषिका के जो एक्सपीरियंसेस से, जो मैंने लड़कियों के चैलेंजेस जाने हैं, जो दूसरों की जिंदगियों से चैलेंजेस जाने हैं, उससे मुझे लगता है कि उनको उनके लिए लीडरशिप और जो साइकोलॉजिकल बूस्ट एक जरूरत है वो कहीं ना कहीं हमें और ज्यादा उस पर मेहनत करने की जरूरत है. एजुकेशन अगेन बिकॉज अभ्याषिका के मेरे एक्सपीरियंसेस से मुझे बहुत सारा प्रैक्टिकल नॉलेज गेन हुआ है कि आप पॉलिसीज तो बना देते हैं, वो जाके इम्प्लीमेंट किस तरह से होती है उन पे ध्यान देने की जरूरत है. बस एक चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि ये मैंने कहीं सुना था कि देयर आर टू काइंड ऑफ आईएएस ऑफिसर्स इन दिस कंट्री, पहले वो जो फेमस इसलिए होते हैं बिकॉज वो आईएएस ऑफिसर बन गए, और दूसरे वो जो आईएएस पोजीशन को फेमस अपने काम से कर देते हैं. सो मैं वो दूसरी वाली बनना चाहूंगी. बहुत ही अच्छी, अच्छा लगा आपकी इस बात को सुन के. अच्छा, एक सवाल है मन में मेरे जो कि अब पढ़ाई से भी रिलेटेड नहीं है, ऐसे ही सवाल मन में आ गया है तो मैं पूछ लेता हूँ कि क्या पॉलिटिक्स में आपका कुछ रुचि है? नहीं सर, ऐसे तो मेरा पॉलिटिक्स में कोई रुचि था नहीं. देखिए क्योंकि एक एग्जांपल है हमारे सामने, और एक ऑफिसर रहे हैं और वो उन्होंने IITian भी रहे हैं, उसके बाद फिर उन्होंने सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया है और उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आ गए हैं और काफी एक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं. तो वैसा एग्जाम्पल आप शायद समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, और नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन क्या आप पॉलिटिक्स में जाना चाहती हैं? बिल्कुल नहीं जाना चाहती हैं. नहीं, अभी तो मेरा शुरुआत से, जैसे कि मैंने आपको कहा कि बूट कैंप में मैं काफी लोगों से, काफी टाइप की पर्सनालिटीज से हम मिलते हैं, हम मिनिस्टर्स से मिलते हैं, हम सिविल सर्वेंट से मिलते हैं, तो तभी मैंने अपना मन बना लिया था कि इस डायरेक्शन में अगर मैं जाऊंगी तो एज अ आईएएस ऑफिसर ही जाऊंगी. एक सवाल अभी जो रिलेटेड टू अभी जो नई पॉलिसी आई है, एजुकेशन पॉलिसी आई है, उससे रिलेटेड मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आपके व्यूज उस पर क्या हैं, क्या लगता है आपको ये, क्योंकि जिस वक्त आप पहुंचेंगे उस सर्विसेज आपको दी जाएंगे, हो सकता है आपको एजुकेशन फील्ड में इसको इम्प्लीमेंट कराना हो, तो आप के मन में क्या है इससे रिलेटेड, क्या कुछ बातें हैं वो आप शेयर करें प्लीज. जी, मैंने जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी तो आई वाज वेरी एक्साइटेड और मैंने काफी पढ़ा है उसको डिटेल में, तो मुझे लगता है इट्स अ वेरी मच रिक्वायर्ड चेंज. एक जो नई ओरिएंटेशन है हमको लर्निंग आउटकम्स की तरफ, इस एजुकेशन पॉलिसी से वो बहुत क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है. जो हम लोग एक इंटीग्रेटेड स्टडीज की बात करें, वोकेशनल
ट्रेनिंग को हम मेनस्ट्रीम करने की बात करें, आई थिंक दैट इज गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स. बस मुझे ये है कि आगे चल के हमको एक बहुत ही सक्सेसफुल प्लान लाना होगा जिस तरह से ये इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो सके, क्योंकि पॉलिसीज हम बना देते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन का काफी कंसर्न रह जाता है. सो इफ यू आर एबल टू इम्प्लीमेंट दिस वेरी ब्यूटिफुली, आई थिंक इट विल गिव अस अ लॉट ऑफ गुड रिजल्ट्स. सिमी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे यहाँ पर हमसे बात करके. बस हम जाते जाते आपसे जानना चाहेंगे कि कोई एक इंस्पिरेशन कोटेशन या फिर इंस्पिरेशन कुछ लाइंस या वर्ड्स जो आप सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हैं जो यहाँ पर अभी कोशिश कर रहे हैं कि वो भी, उनका भी सपना है वो आगे चलकर IAS ऑफिसर बने, उनको एक कोटेशन के जरिए या एक लाइन के जरिए किस तरह से आप मोटिवेट करना चाहेंगे यो वर्ड्स? जी मैं एक कोट में विश्वास रखती हूँ जो मेरे रूम में और मेरे व्हाट्सएप पे भी है. बी ब्रूटली ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ. इसका मतलब ये है कि आप अपने सबसे बड़े क्रिटिक बनिए, आप खुद को सबसे अच्छे से जज कर सकते हैं और आप डिसाइड कीजिए कि जो एफर्ट आप डाल रहे हैं क्या वो इनफ है और क्या वो सही डायरेक्शन में है. सो दीज आर द वर्ड्स आई वुड लाइक टू से. तो ये बहुत अच्छा लगा आपसे सिमी बात करके, और हम कोशिश करेंगे कि हम लगातार अपने व्यूवर्स को और ऐसे ही टॉपर से मुलाकात करवाते रहे हैं. तो अभी आपने आज इस इंटरव्यू में सिमी से मुलाकात करी है जिन्होंने 31st रैंक हासिल करी है UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम में. वो एक क्लासिकल डांसर रही हैं, उनकी एज अ हॉबी उन्होंने ज्वाइन किया है, उसके बाद उन्होंने टॉप किया है क्लास 12th में, फिर वो एक IITian बनी हैं और अब एक IAS ऑफिसर बन चुकी हैं. उनसे आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा. ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा. सिमी बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, और हम सभी व्यूअर्स से यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी, और सिमी से मुलाकात करवाएं अपने दोस्तों की. और आप जो देखते रहें जागरणजोश.com. नमस्कार. थैंक यू सो मच.